दिल्ली में कांग्रेस की दूसरी सूची को लेकर मंथन होगा। आप बता दें कि रविवार को कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की टिकट कटी थी और की अध्यक्षता में कमेटी बनी। और आपको बता दें कि टिकट का फैसला सीटों के प्रत्याशियों की सूची अब जारी कर चुकी है और बाकी प्रत्याशियों के लिए चल रहा है, देखने को मिल रहा है। और बैठक के बाद 60 सीटों के लिए कांग्रेस की ओर से बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, उप मुख्यमंत्री टीएस चरण दास महंत भी शामिल होंगे और हारी हुई सीटों पर कांग्रेस की ओर से उतारे जाएंगे पहली सूची 8, तो अब दूसरी सूची टिकट खतरे में नजर आ रही है। नए चेहरों को मौका मिल सकता है और दूसरी सूची में कम से कम 40 प्रत्याशियों के नाम जारी होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 18 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जगजीत हमारे साथ सामने आ रहा है कांग्रेस की ओर से जो सूची जारी की जा सकती है और खबर आ कांग्रेस की दूसरी का जो रहस्य है वो जल्द खत्म होने वाला है और कांग्रेस की दूसरी सूची आएगा और जो बैठक होगा उसमें देखिए छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष सभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी शामिल होंगे। और देखिए बैठक के 30 लोगों की सूची जारी हो चुकी है, पहली सूची। अब दूसरी सूची का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी सूची इस बैठक के बाद कभी भी जारी हो सकती है। और हारी हुई सीटों पर नए प्रत्याशी उतारने की तैयारी में लगा है कांग्रेस और देखिए क्या आने वाले समय में हो सकता है ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पहली सूची में 8 और दूसरी सूची में अब कई विधायक के जो टिकट है वो खतरे में है, नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। कई जिस तरीके से आकलन और अंदाजा लगाया जा सक रहा है तो दूसरी सूची में यह भी हम आपको बता दें कि कम से कम 40 प्रत्याशियों को मौका मिलेगा और ये दूसरी सूची बेहद ही अहम होगी क्योंकि कांग्रेस चूंकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों पे चुनाव हो रहे हैं कांची, जो प्रथम चरण है वो 7 नवंबर को है और जो दूसरा चरण है वो 17 नवंबर को है। तो पहले जो 7 नवंबर को चुनाव होने हैं उसमें 20 सीटों पर चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, जिनमें 19 सीटों पर नाम प्रत्याशियों को नामों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है, 1 नाम शेष बचे हैं। उसके अलावा अगर हम इधर बात करें तो जो बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग और रायपुर संभाग, ये तमाम संभाग की सीटों पर अभी तक सूची जारी नहीं हुई है। पहली सूची की अगर हम बात करें जो 30 लोगों की सूची जारी की है कांग्रेस, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ही चला है, तो लगातार पूरे विषयों को लेकर के। लेकिन जगजीत, कांग्रेस की ओर से जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया गया था, तो ऐसे में इस फैक्टर को लेकर कांग्रेस की ओर से क्या किन किन नामों को जगह दी गई है या क्या कांग्रेस जगह देगी जातिगत फैक्टर के आधार पर? जी बिल्कुल, देखिए जातिगत फैक्टर के आधार पर, महिला आरक्षण के आधार पर महिलाओं को भी मौका दे रहा है, नए चेहरों को भी मौका दे रहा है, तो सभी को साधने के हिसाब से देखिए मौका दे रहा है। चूंकि अब जो समय है, जो मतदान का समय है वो काफी कम रह गया है, तो उसको लेकर के अब देखिए ज्यादातर विधानसभा सीटों पर चूंकि कम समय रह गया है तो पुराने जो मौजूदा विधायक रहे हैं उन्हें ही टिकट देने की तैयारी में लगा है। लेकिन लगातार जो पार्टी के सर्वे हुए हैं उसमें जो कमजोर प्रत्याशी जो सामने आए हैं उनके टिकट कट सकते हैं, ऐसे तमाम नाम है। लेकिन जो पहली सूची में जिस प्रकार से 8 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं तो उससे अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जो शेष जो चूंकि अब 90 विधानसभा सीटों पर सीट है छत्तीसगढ़ में, 30 के फाइनल हुए हैं, शेष पूरे बचे हैं, तो कई और ऐसे विधायक हैं जिनके सीटों पर अब प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कई ऐसे सीट है जहां से अब जो उम्मीदवार है नए उतारे जा सकते हैं, महिलाओं को मौका दिया जा सकता है। जातिगत जनगणना की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसे भी साधने के लिए ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में कांग्रेस ला सकती है। जी कांची, लेकिन जगजीत जैसा कि आपने बोला कि कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनके टिकट नहीं काटेगी कांग्रेस, तो ऐसे में अन्य पार्टियां उसका किस तरह से फायदा उठाएंगी, उन प्रत्याशियों का किस तरह से फायदा उठाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर जैसे जिस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो जैसे जिन लोगों की टिकट प्रत्याशियों की टिकट कट रही है वो भी अब बागी होते जा रहे हैं, वो भी अब ऐसी भी सूचना मिल रही है कि वो आप पार्टी पे दाखिल होने जा रहे हैं। तो ऐसे कई नाम है जो जिनके चेहरों पे प्रश्न चिन्ह लगा है, लगातार पार्टी सर्वे करवा रही है, पार्टी के सर्वे में वो खड़े नहीं उतरे हैं। तो ऐसे कई नाम है, ऐसे सरगुजा के नाम है, ऐसे बस्तर के नाम है, ऐसे तमाम जो विधायक जिनको टिकट कटे हैं और जिनके टिकट कटने हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी में जाने का रास्ता अंदर ही अंदर देख रहे हैं। जी कांची,
जी, तो ऐसे में अब जो दूसरी सूची कांग्रेस जारी करेगी, किन किन नामों को उसमें जगह दी जा सकती है, क्या जानकारी अभी तक सामने आई है? जी बिल्कुल, ऐसे तमाम नाम है, ऐसे सैकड़ों नाम है, लेकिन उन नामों पर अभी चर्चा करना काफी जल्दी हो जाएगा जी। अब चूंकि आज ये बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई है और उसके बाद जब भी बैठक खत्म होती है, इसके बाद अब कभी भी किसी भी समय भी ये दूसरी सूची के जो छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, जिनका लोगों को इंतजार है, छत्तीसगढ़ की आम जनता को इंतजार है, उन उम्मीदवारों को, दावेदारों को इंतजार है, ये बस बैठक के समाप्त होने के बाद अब कभी भी सूची आ सकती है। तो इस पे आकलन अंदाजा ज्यादा नहीं लगाए और सूची का इंतजार करें तो ज्यादा बेहतर होगा कांची जी। ठीक है जगजीत, लेकिन बात अगर युवा प्रत्याशियों की करें या फिर आपने महिलाओं की बात की, तो बीजेपी महिला सशक्तिकरण की काफी बात करती है, तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है महिलाओं को लेकर, महिला प्रत्याशियों को लेकर या फिर युवा चेहरों को लेकर? जी बिल्कुल, अगर देखिए पहले सूची की अगर बात करें, कांग्रेस की पहले सूची 30 लोगों की सूची में 4 वो महिलाओं को उन्होंने मौका दिया था, तो दूसरी सूची चूंकि पहली सूची से बड़ी होगी तो उसमें ज्यादातर महिलाओं को इसमें मौका मिलेगा और युवाओं को भी साधने की इसमें देखिए कांग्रेस तैयारी कर रही है लगातार। जो जिस तरीके से बैठक और मंथन किया जा रहा है, ये पूरे विषयों का निचोड़ यही है कि आखिर कितना बेहतर तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया जा सके ताकि दोबारा सरकार पे कांग्रेस काबिज हो, क्योंकि कांग्रेस ने जो लक्ष्य रखा है वो 75 पार के रखा है, ये एक पहाड़ जैसा जो एक लक्ष्य है, इसे साधने के लिए, इसे पाने के लिए कांग्रेस को बेहतर से बेहतर प्रत्याशियों की तलाश करनी पड़ेगी और बेहतर से बेहतर प्रत्याशी को जनता के सामने उतारने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए ये विचार विमर्श, ये बैठक, ये मंथन, ये लगातार जारी है और दिल्ली की जो दौड़ है वो लगातार छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो तमाम पदाधिकारी हैं, वो लगातार दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं और दिल्ली की दौड़ के बाद, दिल्ली की बैठक के बाद अब क्या निचोड़ निकलता है, किन नामों पर सहमति बनती है, देखने वाली बात है जी। कांति जी, बहुत शुक्रिया जगजीत तमाम जानकारी के लिए।